हेलो हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे। आज एक शॉर्ट रीडिंग में कलेक्टिव रीडिंग है, जिसमें हम पता करने की कोशिश करेंगे कि जो लोग मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में थर्ड पार्टी है, देखिए थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, चाहे वो उसकी फैमिली है, चाहे उसकी फैमिली अगेंस्ट है, चाहे वो खुद अगेंस्ट है, चाहे वो खुद किसी और चीज़ को प्रायोरिटी दे रहा है करियर वाइज या कुछ भी, या फिर कोई लव पार्टनर है उसका, शादीशुदा है या जो भी है, कैसे भी जो थर्ड पार्टी जिन मेरे व्यूअर्स के कनेक्शन में है, जिनके कारण वो लोग नो कांटेक्ट में। देखिए थर्ड पार्टी का कार्ड, थर्ड पार्टी का कार्ड भी आ गया, ठीक है। तो हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये थर्ड पार्टी जो है आपकी लाइफ से कब तक जाएगी, या है भी है या नहीं। चलिए देखते हैं आपके लव कनेक्शन में थर्ड पार्टी है या नहीं है। अगर है तो वो कब तक जो है आपकी लाइफ से जाएगी। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। आप लोग भी प्रेयर करिए भगवान को कि कार्ड से आपको सही से आंसर मिल जाए, ठीक है। चलिए थैंक यू डिवाइन। देखिए यहाँ सिक्स ऑफ अर्थ का कार्ड है, इक्वल गिव एंड टेक का, ठीक है। चलिए जो ये बॉटम में कार्ड तो बड़ा पॉजिटिव है कि आपके लिए इक्वल गिव एंड टेक आ रहा है, ठीक है। अब हमारे पास पहला कार्ड हमें जो दिखा है वो है मैजिशियन का कार्ड। तो आप दोनों ही इस रिश्ते को बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। सेवन ऑफ वॉन्ट्स, एक इंसान ने अपने आप को गार्ड अप कर रखा है, चाहे वो आप हैं या आपका पार्टनर है, ठीक है। और एक इंसान ज्यादा कोशिश कर रहा है चीजों को ठीक करने की, ठीक है। नाइट ऑफ अर्थ, बढ़ने की वैसे तो एनर्जी बड़ी स्लो है, मतलब आपका पर्सन पता क्या चाहता है कि चाहे स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, चाहे स्लो हो, लेकिन वो आपको कोई झूठा जो एक दिलासा नहीं देना चाहता, वो आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहता है और वो आ भी रही है, ठीक है। चलिए आप बहुत ज्यादा एंजाइटी टेंशन ले रहे हो, ये पर्सन भी बहुत ज्यादा एंजाइटी टेंशन ले रहे हैं, ओके, क्योंकि उसको लगता है कि मे बी आप लोग नो कॉन्टेक्ट में, उसको लगता है कि उसकी लाइफ से जो उसका चार्म था, लाइफ का एक गुड लक था, जो एक उसका मन लग रहा था जीवन में, वो ही जो हिस्सा है वो कहीं गुम हो गया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट एक्शन इसका यही है कि वो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाह रहा है, ठीक है। एम्परर का कार्ड नीचे गिरा है, तो मे बी ये इंसान जो है मैरिड है, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी हो सकता है उसकी फैमिली, उसकी स्पाउस या कुछ भी पार्टनर हो सकता है। चलो हम इसको यही पढ़ लेते हैं, एम्परर का कार्ड, अभी बाद में उठा लूंगी। नाइन ऑफ फायर, एक इंसान चाहता है आपको प्रोटेक्शन देना। मे बी ये इंसान जो है थर्ड, अगर मैरिड है तो थर्ड पार्टी के डर से ये नहीं चाहता कि आपको किसी तरह की कोई रुसवाई या आपकी बदनामी या इसकी बदनामी हो, ठीक है जी। इसलिए इसकी एनर्जी शुरू से आपकी तरफ स्लो रही है, चाहता है ये आपको एक स्टेबल ऑफर देना, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना। देखिए क्योंकि ये इंसान आप इसकी खुशी हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा इस प्रेजेंट टाइम में पैशनेट है, आपके पास आना चाहता है और इस रिश्ते में भी मूवमेंट लाना चाहता है। तो अब जो है ये अपना जो है इनडिसाइसिव पन खत्म कर रहा है, ठीक है। आपको फैमिली में मिलाना चाहता है, आपके सब फैमिली देखता है, तो नेक्स्ट एक्शन में इसका कोई कॉल टेक्स्ट आपको आ सकता है। यहाँ पे एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, ठीक है। आपका पर्सन जो है यहाँ पे जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एयर साइन सिग्निफिकेंट है, हो सकता है वॉन्ड्स भी है तो एरीज लियो सैजिटेरियस पेंटिकल है तो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, ठीक है। कप्स का कोई कार्ड नहीं है क्योंकि ये इंसान इस टाइम ना चीजों को ठीक करने में लगा हुआ है कि कैसे जो है एक इसको लैक ऑफ, जैसे कहते ना एक वरी टेंशन एंजाइटी ले रहा है कि कैसे ये चीजों को ठीक करे और कैसे जो है ये अपना लक्की चार्म जो आप हो इसके लिए उसको कैसे अपनी जिंदगी में लाए, ठीक है। तो वैसे थर्ड पार्टी यहां पे मुझे कार्ड नहीं मिला है, लेकिन एम्परर है तो मे भी हो सकता है कि आपको लगता हो कि थर्ड पार्टी है
मतलब थर्ड पार्टी क्या है, मतलब मेन यहाँ पे थर्ड पार्टी उसकी फैमिली है, उस फैमिली में सारे ही आ गए, अनमैरिड है तो भी, मैरिड है तो भी, मतलब एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है ये इंसान, कोई अथॉरिटी फिगर हो सकता है जिसकी जो है यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ एक इज्जत है, एक रेपुटेशन है, एक नाम है, जो वो चाहता है कि वो चीज़ें खराब ना हो, ठीक है, इसलिए इसकी मूवमेंट जो है स्लो ही रहती है आपकी तरफ। लेकिन अगर हम इसकी इंट्यूशन देखें तो ये आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहता है, आपको अपना लक्की चार्म, आपको अपनी फुलफिलमेंट समझता है, इसीलिए इसको बहुत ज्यादा एंजाइटी कि आपको ये क्लियरेंस नहीं दे पाता इस चीज की, इसको टेंशन होती है। तो आपको 24/7 ये इंसान याद कर रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है, आप भी इसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और चीजें ठीक करने की कोशिश करता है, इसीलिए अपने गार्ड अप रखता है, और आपको लगता है कि ये इंसान आपके लिए कोई फीलिंग नहीं रखता, लेकिन फीलिंग है। तो इसका नेक्स्ट एक्शन कॉल टेक्स्ट हो सकता है। अब हमारा यहाँ पे क्वेश्चन जो था वो ये है कि अगर ये मैरिड है या इस टाइप की कोई सिचुएशन है, थर्ड पार्टी है, तो थर्ड पार्टी कब तक जो है आपकी लाइफ से चली जाएगी। ओके व्यूअर्स, चलिए देखते हैं। ओके, क्वीन ऑफ वंड्स, थर्ड पार्टी, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, एम्प्रेस, अवेकनिंग, कि आपको ये तो पता लग गया कि आप इस इंसान की विश फुलफिलमेंट है, ठीक है, आपको ये वाइफ मटेरियल मानता है, लेकिन ऑलरेडी इसकी लाइफ में एक वाइफ है, ठीक है, जिससे ये, लेकिन आपको ये एम्प्रेस की एनर्जी में देखता है, ठीक है, हो सकता है उससे इसको कोई फाइनेंशियली सिक्योरिटी हो जो इसकी लाइफ में, जो क्योंकि यहाँ पे दो औरतें आई हैं, एम्प्रेस और क्वीन ऑफ पेंटिकल, ठीक है, तो थर्ड पार्टी तो है श्योरली। तो देखो ये इंसान स्लो इसीलिए हो जाता है क्योंकि ये चाहता है, आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, प्रेयर कर रहा है वक्त के चेंज होने की और चीजें ठीक करने की कोशिश है इसकी। लेकिन अब हमारा क्वेश्चन ये था कि थर्ड पार्टी जो है कब तक आपकी लाइफ से मूव ऑन हो जाए, कब तक चली जाएगी, ठीक है, भगवान जी बताइए प्लीज कब तक जो है मेरे व्यूअर्स की लाइफ से थर्ड पार्टी जो है मूव ऑन हो जाएगी, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए और हमें क्लियरेंस दीजिए। या वाओ, देखिए ये इंसान कुछ प्लान कर रहा है आपके लिए जिससे वो आपके साथ इस रिश्ते में प्रोग्रेस कर सके। तो देखिए यहाँ पे बॉटम में आया हमारे पास सिक्स ऑफ एयर, जो एक ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड होता है, जो मूवमेंट, तो देखो ये लग रहा है कि ये इंसान हो सकता है उस थर्ड पार्टी को छोड़ के ये इंसान आपकी तरफ आए, कुछ प्लान कर रहा है ये बंदा ना, और जल्दी ही मे भी हो सकता है 6 मंथ में, यहाँ पे जो हमें नजर आ रहा है, कुछ लोगों के लिए 2 साल भी लग सकते हैं, कुछ लोगों के लिए मुझे 6 मंथ नजर आ रहे हैं कि ये थर्ड पार्टी जो है, कुछ लोगों के लिए 6 मंथ, कुछ लोगों के लिए 9 मंथ, क्योंकि 9 नंबर बड़ा सिग्निफिकेंट है। हो सकता है ये थर्ड पार्टी जो है नवंबर तक आपकी लाइफ से चली जाए, ठीक है, और आपको कोई कमिटमेंट या कुछ मिल जाए क्योंकि ये इंसान प्लान कर रहा है, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, रीडिंग अच्छी लगे तो रीडिंग को लाइक भी करें, खाली देख के ऐसे ना चले जाएं। और हाई प्रिस्टेस, ओके, देखिए मे भी हो सकता है, कई बार क्या होता है, मुझे यहाँ बहुत ये स्पेसिफिक मैसेज मिला है कि क्या पता कोई थर्ड पार्टी हो ही ना इसकी लाइफ में, ये ही अपनी लाइफ का मुखिया हो और ये अपने ही एक विचारों में ही जो है इतना ज्यादा, एक जैसे कहते हैं ऑर्थोडॉक्स होते हैं कि जैसे मान लो मैंने बताया कि एम्परर की एनर्जी में है, लोग क्या कहेंगे, ये है वो है, अगर ये मैरिड है या इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है या इसकी पब्लिक फिगर है या इस टाइप से इसकी पोजीशन है कि वहां पे ये एक डिसीजन ले सकता है, प्लान कर सकता है, लेकिन वो भी जो है इसकी एनर्जी जो है स्लो है, ठीक है, वहां पे भी ये स्लो हो जाता है सिर्फ। तो बहुत लोगों के लिए यहाँ ये इंसान थर्ड पार्टी का काम खुद कर रहा है क्योंकि ये चीजें छुपाता है। कई कई व्यूअर्स के जो मेरे पार्टनर हैं वो मुझे थोड़े डब्बू डरपोक टाइप के भी लग रहे हैं,
कि उनको लग रहा है कि मैं ऐसा करूंगा तो बहुत चीजों से मुझे अपनी फाइनेंशियल, मुझे उस सामने वाले के लिए भी कुछ करना पड़ेगा, अब उसको सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी देनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पेंटिकल के पहले बहुत से कार्ड्स आए थे। तो ये कुछ ऐसा चाहता है, कुछ चीजें ये इंसान छुपाता भी है, पूरी तरह आपको बताता भी नहीं है कि थर्ड पार्टी है भी या नहीं है, या एक इसने वो ही एक अपनी प्रोटेक्शन के लिए आपको ये शो करता है कि मेरे पास तो बहुत सारे ऑप्शन है, मेरी तो थर्ड पार्टी नहीं मुझे आप तक आने देती, या जो भी कह लो। लेकिन ये इंसान ना खुद भी जो है चाहता है, क्योंकि आप जो हो इसको एक आपके साथ जो ये फुलफिलमेंट महसूस करता है इनडायरेक्ट वे में। कई यहाँ बहुत से जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर को ये ही नहीं पता कि आप लोग जो हो उसके लिए लकी हो, क्योंकि यहाँ नाइन ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया था पहले। अंदर से इसको फील होता है जब ये आपसे मिलता है या जब आपसे इसका सही नो कॉन्टेक्ट नहीं चल रहा होता, तो ये अपने आप में एक फुलफिलमेंट, एक अबंडेंट सा फील करता है कि आप बहुत ज्यादा जो है खुश मिजाज कह लो, अबंडेंट कह लो, इस टाइप के पर्सन आप इसको लगते हो। ये चाहता है कि कुदरतन कोई चीजें जो है अपने आप ही कुछ मिरेकल हो जाए और ठीक हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि हमारा क्वेश्चन था कि थर्ड पार्टी कब तक जाएगी, तो यहाँ 9 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट आया है। तो मे भी हो सकता है, 9 होता है अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर के मंथ में बहुत लोगों के जीवन से थर्ड पार्टी चली जाए, अगर है तो उनको कोई कमिटमेंट या कोई एक पॉजिटिव जेस्चर, क्योंकि यहाँ इक्वल गिव एंड टेक का कार्ड आया। मे भी हो सकता है अगर वो मैरिड है तो ठीक है, मैरिड चाहे मैरिज ना कर सके लेकिन आपको टाइम देना शुरू कर दे, आपके साथ समय बिताना शुरू कर दे, आपको इस रिश्ते में एक फुलफिलमेंट जो है मिलने लग पड़े जो आप आज तक मिस कर रहे हो या आज तक आपको नहीं मिली, ठीक है। तो कहते ना एक मिलना भी एक फुलफिलमेंट ही है। एक इंसान जिसको आप चाहते हो, शिद्दत से प्यार करते हो, वो आपको समय दे रहा है, आपके लिए कुछ कर रहा है फाइनेंशियली कह लो चलो है, और आपकी फैमिली को सपोर्ट कर रहा है जितना वो कर सकता है, तो ये भी एक तरह की फुलफिलमेंट, एक कम्प्लीशन ही है कि आपने जिस इंसान को चाहा उसको आपने पा लिया। अब देखो कोई इंसान जितना दे सकता है वो उतना ही देगा, चाहे वो एक कमिटमेंट है, चाहे वो एक वैसे फिजिकली या मॉरली या फिर कह लो फाइनेंशियली सपोर्ट दे सकता है तो वो देगा, ठीक है। ये आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को भी खुद पे जो है थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, आपको भी ज्यादा एंजाइटी टेंशन नहीं लेनी, डिवाइन पे छोड़िए चीजों को, क्योंकि चीजें खुद ब खुद ही ठीक हो जाती हैं जब हम उनको लेट गो कर देते हैं, जब उनको पकड़ के रखते हैं तो और डिले होती है, ठीक है व्यूअर्स। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अब हम इस गॉडेस डेक से मेरे व्यूअर्स के लिए जो थर्ड पार्टी से परेशान है उनके लिए कोई गाइडेंस दीजिए भगवान जी। ओके, एक ही लूंगी मैं, ठीक है। वाओ सरस्वती, तो मे भी हो सकता है अगर आप चाहते हैं आपकी लाइफ में फुलफिलमेंट आए तो मेरी इंट्यूशन मुझे गाइड कर रही है, अगर आप हिंदू माइथोलॉजी से हैं तो आपको सरस्वती चालीसा का पाठ करना चाहिए, या फिर सरस्वती जो शारदा माँ है जो उनकी उनको प्रेयर करना चाहिए, ठीक है। उनको बहुत ज्यादा जो है उनका कोई नाम जप करना चाहिए। सरस्वती माँ का नाम है ओम एम नमः, ओम एम नमः, सरस्वती चालीसा का पाठ कर सकते हैं आप डेली, ये आपके लिए एक रिचुअल है। अब यहाँ पे अगर आप वैसे वैसे भी सरस्वती माँ की एक प्रतिमा अपने पास रख के, चाहे आप किसी भी धर्म से हैं, आप उनको एक नतमस्तक डेली उनको और कुछ नहीं उनके आगे प्रेयर कर सकते हो। देख लीजिए उनकी ऐसी फोटो होती है, मतलब वो एक ज्ञान की देवी है, ज्ञान देने वाली, ठीक है। ज्ञान के साथ साथ वो जब हमारे एक्चुअली हमारे हम खाली हैं तभी तो हम किसी की कमी फील कर रहे हैं, तो तभी यहाँ पे स्पेशल यही वाली गॉडेस आप लोगों के लिए आई है कि आप खुद को भरिए, चीजें आपके पास खुद ब खुद आएंगी, ठीक है जी। एक्सप्रेस यूर सेल्फ थ्रू क्रिएटिव एक्टिविटीज, ठीक है। तो ये कार्ड आपको यही बता रहा है कि आप जो अपनी क्रिएटिविटी है उससे यूनिवर्स को, दुनिया को, भगवान को, यूनिवर्स भी तो हमसे एनर्जी लेता है ना, उसको भी एनर्जी मिलती है। आप उदासी भरे, सुस्त भरे, लेटे हैं एक इंसान के लिए सोच रहे हैं, वो और दूर होता जा रहा है। तो आप क्रिएटिव बनिए, आप अपने करियर की तरफ ध्यान दीजिए, आप अपने आप की तरफ ध्यान दीजिए, तभी चीजें और जल्दी फ्रूटफुल होंगी, ठीक है। एक्सप्रेस योरसेल्फ थ्रू क्रिएटिव एक्टिविटीज, सामने वाले को भी आपकी कीमत का अंदाजा तभी लगेगा, तभी वो आपकी तरफ भाग भाग के आएगा। तो ये कार्ड आपको यही बता रहा है
कि आप अपनी आपको एक्सप्रेस अपनी क्रिएटिविटी अपने कर्मों से कीजिए, ठीक है। तो जो सरस्वती माँ है, अगर जो कर सकते हैं उनकी चालीसा करें, आपको बहुत ज्यादा जो है एक आपको खुद में भरपूरता, एक अगर आपकी विश है तो वो भी पूरी हो जाएगी इससे। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास है तो आप इस सरस्वती चालीसा कीजिए, यूट्यूब पर मिल जाती है, मुझे इस पे बहुत विश्वास है, माँ शारदा पे मुझे बहुत विश्वास है। ये ज्ञान की देवी है और ज्ञान, खुशी, सब कुछ हमारे अंदर है जिसको हम बाहर ढूंढते हैं। जब हम खुद से फुलफिल हो जाएंगे, मैजिशियन की एनर्जी में हो आप लोग, मैजिशियन का कार्ड सबसे पहला कार्ड था, तो मैजिशियन की एनर्जी मतलब आप मैनिफेस्टर हो खुद, यहाँ हाई प्रिस्टेस आया था, इंट्यूटिव है, आपको उस ज्ञान को बस जगाना है। तो सरस्वती माँ बहुत अच्छा काम करती है ज्ञान को जगाने के लिए, देवी है ज्ञान की। तो आप इनकी चालीसा का पाठ कर सकते हैं, या मान लो आप चालीसा का पाठ नहीं कर सकते तो इनकी फोटो गूगल पे मिल जाती है, सरस्वती माँ या शारदे माँ, चाहे आप किसी भी धर्म से, मैं तो कहती हूँ सारे धर्म एक ही, भगवान इंसान नहीं तो बनाए हैं, ठीक है, भगवान तो एक है, उनके कर्म अलग अलग बांट दिए हैं, ठीक है ना। अब हिंदू लोग भी कई लोग पीर दरगाह पे जाते हैं, तो क्या हो गया, जिसकी इच्छा जहां से पूरी होती है वहीं जाता है भैया। तो आप इनकी फोटो को यहां से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर क्योंकि यहाँ लाइट आ रही है ना बीच में, ऐसे कर देते हो आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इनकी फोटो के आगे ही ना रोज रोज अपनी प्रेयर रखिए, जो भी आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, कि मैं खुद से प्यार कर सकूं ताकि चीजें मेरे पास जो मैं चाहती हूँ, मेरी विश फुलफिल हो जाए। ओके व्यूअर्स, लव यू ऑल, टेक केयर। ये थी आप लोगों की रीडिंग, और खुश रहिए, बाय।